अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिश शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिश शाहिद। दोस्तों, आज का आपने हमारा थंबनेल देख लिया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये उन लोगों के लिए जो जॉब करना चाहते हैं वो कनाडा में या पोलैंड में, इसके अलावा फ्रांस में, जर्मनी में, किसी भी मुल्क में आप दुनिया में जॉब करना चाहते हैं, वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और आपको मेरी तमाम वीडियोस आगे मिलती रहें। देखें, अगर आपको जॉब करनी है, सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक सीवी। सीवी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। वो आप एक बनाएंगे प्रोफेशनल लेवल की सीवी, उसके बाद जो है वो आप अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप कनाडा जाना चाह रहे हैं तो कनाडा की आप पहले अपनी स्किल्स देखेंगे कि अगर आप ड्राइवर हैं या अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं या आप फाइनेंस के एडमिन हैं या आप किसी भी फील्ड में आपका यानी ताल्लुक है, पहले आप अपनी फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से अपनी सीवी डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप तमाम अपने प्रीवियस जो है वो स्किल्स मेंशन करेंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि देखिए, बाहर मुल्क में अगर आप जॉब करते हैं तो वो पाकिस्तानियों को, इंडियन को, बांग्लादेशी को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उनको जो है वो 4 times कम कीमत में पड़ रहा होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो $5,000 पे करते हैं किसी को, लोकल को, तो वो आपको यानी कि $1,000 या $1,500 में जो है वो हायर कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है ना, ये पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो इसका तरीकेकार ये कि आपको सिंपल जो है वो अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह करना है ये मैं अभी आपको अपने सिस्टम पे ले जाकर दिखाऊंगा। अप्लाई करने के बाद कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भेजेगी। एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ जो है वो आप इसको सिंपली वर्क परमिट प्रोसेस करेंगे, अपना वीजे के लिए प्रोसेस करेंगे। वीजा जब आपका लग जाएगा, आप ट्रैवल करके वहाँ पे जो है वो जॉब कर सकते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको अपने सिस्टम की तरफ, किस तरीके से और कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, किन किन वेबसाइट्स पे आपको जाना है, कितनी, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं जो जिन पे जाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत सारी लिजिट वेबसाइट है जिन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलते हैं मेरे सिस्टम की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आएंगे गूगल पर। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है जॉब्स इन कैनेडा 2022, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप वो फील्ड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आईटी, ठीक है। तो आईटी की तमाम जो जॉब्स होंगी जो कि कनाडा में 2022 की लिस्टेड होंगी, वो सारी मेरे पास शो हो जाएंगी। इसमें काफ़ी वेबसाइट फेक होती हैं और काफ़ी वेबसाइट जेन्युइन होती हैं, जहाँ जाके आप अपनी जॉब वाकई में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहली जो है वो वेबसाइट डाल देता हूँ, कॉलिंग एंड आईटी प्रोफेशनल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर आप आईटी के प्रोफेशनल हैं तो आप जो है वो सिंपल ये, अच्छा ये देखें, ये कनाडा का अपना लिंक्डइन अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी जो है वो सीवी भी यानी लिंक्डइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, या जो है वो आप बाकायदा 1 by 1 भी सर्च कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर टेक्नोलॉजी में हम आ जाए तो टेक्नोलॉजी में सारे ये देखें जॉब आ गए हमारे पास। इंटरप्राइज आर्किटेक्ट स्पेशलिस्ट आ गया, ठीक है। एक्सेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल चाहिए, यानी ये वो सारी जॉब है। अच्छा, ये सारी लिजिट जॉब होती हैं, ये कोई फेक या कोई ऐसी जॉब नहीं है कि जिसमें जो है वो आपको, अगर आप वाकई में डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या किसी भी बिजनेस से रिलेट करते हैं, किसी भी काम से रिलेट करते हो, तो आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। अब iOS डेवलपर चाहिए, अगर आप iPhone डेवलपर हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो आप सिंपल अप्लाई ना करेंगे, अप्लाई ना करके अपनी CV भेजेंगे। इसी तरीके से जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आप उसको लिखें, आप गूगल करें, आपको यानी कि हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, जो दुनिया से बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वो नेट के थ्रू ही जाते हैं। नेट पर आजकल सब चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर अपना सिंपल साइन इन अकाउंट बनाएंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर आपको बोलेगा अपनी CV अपलोड करें। आप अपनी CV अपलोड करेंगे और सिंपल जो है वो आप अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद कभी कभी जल्दी रिप्लाई आता है, कभी काफ़ी टाइम बाद रिप्लाई आता है, और कभी रिप्लाई आता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई आएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको चंद एक एग्जाम्पल्स दिखा दिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में अप्लाई करें, यहीं से पाकिस्तान से बैठ के लोग जाके जो है वो अपना वर्क परमिट मंगवा के जो है वो जॉब के लिए गए हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई घर बैठे कर सकता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना। किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, लाखों रुपए ले लेते हैं और वो भी यही काम करेंगे जो आप खुद भी कर सकते हैं। घर बैठे आप अपना खुद CV बनाएं, CV बनाने के बाद मल्टीपल वेबसाइट पर जाएं, अपनी CV भेजें, अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिक आपको ईमेल पर रिप्लाई आएगा, फिर आपकी कोऑर्डिनेशन चलेगी, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते रहेंगे, आप वो प्रोवाइड करते रहें। इस तरह से आप सिंपली प्रोसेस में आप सारा जो है वो अप्लाई कर लें और आप दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, जो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, हमें लग रहा होता है कि यार उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की है, बहुत मुश्किल से गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से हर कोई बाहर मुल्क जा सकता है और काम कर सकता है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ।